नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुंभोज स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मैथ आपका वीक पॉइंट है और मैथ में आपके अच्छे स्कोर नहीं आ पा रहे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज हम करेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। और आपको बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा और आपका लेवल बिल्कुल हाई तक हम लेकर जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और एक और बात, आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठना। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ, ये जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज है, इसको एज रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रेशियो वाले टॉपिक का कंसेप्ट यूज होगा। अगर आपकी रेशियो में अच्छी पकड़ नहीं है या फिर आपको उसमें आपका बेस नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। पहले आप अगर वो लगा लें फिर ये करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप साथ साथ में समझते जाना और नोट करते जाना। पहला क्वेश्चन, ए और बी की उम्र के बीच, ए और बी की वर्तमान उम्र के बीच 3:5 है। ए और बी की वर्तमान उम्र के बीच 3:5 है। और साथ में क्या बोला, अगर बी ए से 8 साल बड़ा हो, अगर बी ए से 8 साल बड़ा हो तो ए की वर्तमान उम्र पता करें। क्या पता करना है? ए की वर्तमान उम्र, ए की प्रेजेंट एज हमें पता करनी है। तो रेशियो वाले टॉपिक से कंसेप्ट आते हैं, जब भी रेशियो दी होगी साइड पे कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। जब भी रेशियो दी होगी साथ में कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। जो चीज साइड पे होगी वही हम रेशियो में देख लेंगे। अपने हिसाब से ए की उम्र कितनी है? 3 साल। बी की उम्र कितनी है? 5 साल। तो बी ए से कितना बड़ा है? 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बड़ा? 2 साल। अपने हिसाब से कितना बड़ा? 2 साल। वो कितना बोल रहे हैं? 8 साल। 1 बराबर 8/2। 8 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 4 दुनी 8। तो ये अपना जो आएगा ये क्या आएगा? 1 रेशियो की वैल्यू। जब भी रेशियो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, जब भी आपको रेशियो दिखाई दे दे, आपका फोकस कहां पर जाना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं से 1 रेशियो की वैल्यू पता चल जाए। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एक ही उम्र पूछी थी तो एक के पास कितनी रेशियो है? 3। 4 3 क्या हो गया? अभी 12 साल एक ही क्या आ गई उम्र। बस यही हमने निकालना था। बाय चांस बी की उम्र पूछ लेते तो 1 रेशियो की वैल्यू 4, बी के पास कितनी रेशियो है? 5। 5 चौका 20 साल। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? राम और श्याम की उम्र के बीच, राम और श्याम की उम्र के बीच 8:11 है। राम और श्याम की उम्र के बीच 8:11 है। अगर श्याम की उम्र 33 वर्ष हो, अगर श्याम की उम्र 33 वर्ष हो तो राम की वर्तमान उम्र पता करें। वही कंसेप्ट लगाएंगे, जब भी रेशियो दी होगी साथ में कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। जो दिया, जो साथ में दिया है वो इधर करेंगे। अब साइड पे श्याम की उम्र दी है, अपने हिसाब से श्याम की उम्र कितनी है? 11 साल। वो कितनी बोल रहे हैं? 33 साल। तो 11 33 से कट गया, ये कितना आ गया? अभी 3 साल। 3 अपना क्या आया? 1 रेशियो की वैल्यू। राम की उम्र पता करनी है, राम के पास कितनी रेशियो है? 8। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 3। तो 8 या 24 साल क्या आएगी राम की उम्र? बस यहीं पर ही अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है? खत्म। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स और वाई की वर्तमान उम्र के बीच 4:7 है। एक्स और वाई की वर्तमान उम्र के बीच, वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज,
वर्तमान उम्र के बीच 4:7 है। अगर x की उम्र 20 साल हो, अगर x की उम्र 20 ईयर 20 साल हो तो 5 साल बाद y की उम्र बताएं। ये प्रेजेंट है, आज से 5 वर्ष बाद किसकी उम्र बतानी हमने, y की। तो ध्यान से समझिए, जब भी रेशियो दी होगी साइड पे कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। तो हमारे अपने हिसाब से x की एज कितनी है, 4 वर्ष, वो कितनी बोल रहे हैं 20, तो कितने पर कट जाएगा, 5 पर। ये अपनी क्या आ गई, 1:1 की वैल्यू। अब y की उम्र बतानी है 5 साल बाद, वो हम तभी बता पाएंगे ना जब हमारे पास y की प्रेजेंट एज होगी। तो पहले y की वर्तमान उम्र निकालते हैं, 7 × 5 = 35। ये सबको अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि 1:1 की वैल्यू 5 है, y के पास कितनी रेशियो है, 7, तो 7 × 5 = 35। अब ये 35 भी ऑप्शन में होगा, 35 भी ऑप्शन में होगा, लेकिन ज्यादा वहां पर शक्तिमान नहीं बनना, ये आ गया 35, ये मैंने लगा दिया, 35 भी ऑप्शन में होगा। उन्होंने पूछा 5 साल बाद, आज वाई 35 का है तो 5 साल बाद कितना होगा, 40 का। ये अपना क्या रहेगा, राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे धीरे धीरे हाई लेवल तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच 5:11 है, पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच 5:11 है। अगर तीन साल बाद पी की उम्र, ये इनकी प्रेजेंट एज है, अगर 3 साल बाद पी की उम्र 23 साल हो, अगर 3 साल बाद पी की उम्र 23 साल हो तो क्यू की प्रेजेंट एज बताएं, तो क्यू की वर्तमान उम्र हमने बतानी है। तो अब रेशियो वाले टॉपिक में एक बढ़िया सा कंसेप्ट आपको बताया था, वो क्या था, जिस समय की रेशियो दी होगी साथ में भी उसी समय का कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए। अब देखो रेशियो तो क्या दी है, वर्तमान की, लेकिन जो पी की उम्र दी है ना वो 3 साल बाद की दी है, 3 साल बाद पी 23 का है, तो वर्तमान में पी कितने का होगा, ये अपनी प्रेजेंट एज है, वर्तमान में पी कितने का होगा, 20 साल का। अगर आज से 3 साल बाद, मान लो आज से 3 साल बाद आपकी उम्र 23 वर्ष हो जाती है, तो आज आपकी उम्र कितनी है, 20 साल। हम 5 को 20 के बराबर रखेंगे ना के 23 के, इस बात का ध्यान रखना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये। अपने हिसाब से पी की उम्र कितनी है, 5, वो कितनी बोल रहे हैं, 20 वर्ष। 1:1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 1:1 की वैल्यू 4, तो क्यू के बारे में पता करना है, क्यू के पास कितनी रेशियो है, 11 × 44 वर्ष, 44 ईयर किसकी एज होगी, क्यू की। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप साथ साथ में इसे नोट करते जाना। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक्स और वाई की उम्र के बीच 3:5 है, एक्स और वाई की उम्र के बीच 3:5 है। अगर एक्स वाई से 6 साल छोटा हो, अगर एक्स वाई से 6 साल छोटा हो तो आज से 5 वर्ष बाद इनकी उम्र के बीच रेशियो बताएं। अब ध्यान से सुनो, बताना क्या है, आज से 5 वर्ष बाद जो एक्स की उम्र आएगी, रेशियो जो वाई की उम्र आएगी, ये इनकी क्या दी हुई है, प्रेजेंट एज। अब साइड में क्या बोला उन्होंने, एक्स वाई से 6 साल छोटा है, अपने हिसाब से एक्स की उम्र 3 वर्ष, वाई की उम्र 5 वर्ष, तो अपने हिसाब से ये कितना छोटा है, भी 2 साल, वो कितना बोल रहे हैं, 6। 1:1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब 1:1 की वैल्यू 3 आ गई, सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज निकालेंगे, जब प्रेजेंट एज पता चल जाएगी उसके बाद 5-5 वर्ष दोनों की उम्र बढ़ा देंगे, तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 3 × 9 = 9, इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 5 × 15। आज से 5 साल बाद, आज एक्स 9 वर्ष का है, 5 साल बाद 9 × 5 = 14, ये 15 का है, 5 साल बाद 20 का हो जाएगा। अब
आपको बताया रेशियो को प्राइम नंबर में लिखी जाती है या फिर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो इनमें से जो भी कॉमन फैक्टर इसको काट देते हैं, 2 के टेबल पर 7 × 14 = 10 × 20। अब 7 और 10 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, तो ये अपनी क्या होगा, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। अच्छे से सबको क्लियर, अभी अपने मन में हाँ या ना में जरूर जवाब देगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पी और क्यू की उम्र के बीच 3:4 है। सॉरी, पी और क्यू हम पहले ले चुके हैं। ऐसा करते हैं, ए और बी की उम्र के बीच 3:4 है। 14 साल बाद, आज से 14 साल बाद इनकी उम्र के बीच 5:6 हो जाता है। आज से 14 साल बाद इनकी उम्र के बीच 5:6 हो जाता है, तो इनकी वर्तमान उम्र पता करें। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से समझना। एक तो इसका यूनिवर्सल मेथड होता है कि देखिए, हम इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जो एक्स वाला मेथड होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग कट पड़ता है, उससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे जो हम करेंगे इससे जल्दी होगा। पहले दूसरे वाला बता देता हूँ। आपने क्या करना है, रेशियो के साथ एक्स लगाना, क्योंकि आप सभी को पता है रेशियो जो होते हैं कभी भी प्रॉपर नंबर नहीं होते, इनके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है जो इनका कॉमन फैक्टर होता है। और फॉर्मूला क्या बनता है, 3x + 3x से लेकर कितने साल बढ़ाया हमने, 14 / 4x + 4x से कितने साल बढ़ाया, 14 साल। तो ये क्या लिखेंगे, किसके बराबर लिखेंगे, 5/6। ये अपना क्या बनेगा, कंसेप्ट बनेगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मतलब 1:1 की वैल्यू, और आगे आप इसको अपना क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आप इसे भी माइंड में रखें, कई बार एग्जाम में ये रेशियो जो होता है वो सेट नहीं बैठती, तो आप ये लगा सकते हैं। अदरवाइज जो हम करेंगे बेसिक, जो हम छोटकर ट्रिक से करेंगे वही करेंगे। तो ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। देखो एक्स को हटा देते हैं, 3 से लेकर 5 तक कितना बढ़ रहा है, अभी 2 साल। 4 से लेकर 6 तक कितना बढ़ रहा है, 2 साल। ध्यान रहे ये हमेशा क्या बढ़ना चाहिए, इक्वल। ये हमेशा क्या बढ़ना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल ना बढ़ेगा उसका भी रूल होता है, हम वो भी देख लेंगे। अपने हिसाब से ये कितना बढ़ रहा है, 2 साल, वो कितना बोल रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, 14। 1:1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 साल। 1:1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 साल। वेरी सिंपल, जब हमें 1:1 की वैल्यू पता चल गई है तो इससे आगे कोई टफ बात नहीं है। 7 से गुना करेंगे, 7 × 4 = 28। 1:1 की वैल्यू 7, और इसके पास 3:1 है, 7 से गुना करेंगे, 7 × 21। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर। इनकी वर्तमान उम्र आ जाएगी। अगर 14 साल बाद पूछे तो इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये वाला अच्छे से क्लियर होगा, आप इसे नोट कर लीजिए और साथ में बेसिक से बिल्कुल समझते जाना। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समीर और अनंत की उम्र के बीच 5:4 है। समीर और अनंत, इसको ऐसे डोनेट कर देते हैं, इसको ए से। समीर और अनंत की उम्र के बीच 5:4 है। आज से 3 साल बाद, अगर आज से 3 साल बाद अनुपात हो जाता है 11:9। आज से 3 साल बाद 11:9 हो जाता है, तो समीर की वर्तमान उम्र पता करें, समीर की प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, 5 से लेकर 11 तक कितना बढ़ रहा है, अभी 6 साल। 4 से लेकर 9 तक कितना बढ़ रहा है, 5 साल। यहाँ पर गड़बड़ होगी, क्योंकि मैंने बोला था ये दोनों क्या बढ़ने चाहिए, इक्वल बढ़ने चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं बढ़ रहा है। तो इसको कैसे देखेंगे,
आइए एक बार सभी का तैयारी करो। 5 से लेकर 11 6 बढ़ रहा था, 4 से लेकर 9 कितना बढ़ रहा था? 5। तो ये जो छोटे वाली रेशियो है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं सेट बैठता कि नहीं। अगर 2 से ना होगा तो 3 से कर लेंगे, कोई बात नहीं है। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, चेक करते हैं 10 से लेकर 11 कितना बढ़ रहा है? 1। 8 से लेकर 9 कितना बढ़ रहा है? 1। तो भाई ये अपना क्या बढ़ रहा है? इक्वल बढ़ रहा है। तो अपनी ये रेशियो क्या बैठ जाएगी? सेट बैठ जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये अपनी क्या आई अभी? न्यू रेशियो। तो जो पुराने वाली रेशियो होगी उसको क्या कर देना? कैंसल, कैंसल आउट जरूर करना, वरना आंसर में गड़बड़ हो सकती है। तो पुराने वाली रेशियो को क्या कर देना? कैंसल कर देना। तो हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 1। वो कितना बोल रहे हैं? 3। 1 बराबर 3 मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 3। तो समीर की उम्र पूछी थी, समीर की उम्र 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 3। समीर के पास कितनी रेशियो? 10। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, तैयार रहे, कौन से वाली रेशियो लेनी है? जो नए वाली रेशियो होगी। तो ये कितने साल का हो गया अभी? इसकी उम्र कितनी आ गई? 30 ईयर। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ आएगा। दोबारा फिर सुन लो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करने से रेशियो सेट ना बैठे तो 3 से चेक कर लेंगे, फिर 4 से कर लेंगे। 4 से ज्यादा नहीं जाएगा, लगभग हो जाता है जितना जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। अगर फिर भी ना हो, अगर फिर भी ना हो तो आप वो एक्स वाला मेथड लगाएंगे, उससे तो फिर हो ही जाएगा, उससे तो बाहर नहीं जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। छह साल पहले कुणाल और सागर की उम्र के बीच 6:5 था। देखिए आज से 6 साल पहले, यहां पर हम क्या करते हैं? प्रेजेंट है। अब एक और बात, पहले हमने क्या बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, लेकिन इस बार क्या 6 साल पहले कुणाल और सागर। हाँ जी, कुणाल और सागर की उम्र आज से 6 साल पहले, मतलब 6 साल ऊपर जाएंगे। इनके बीच कितना अनुपात है? आज से 6 साल पहले इनके बीच 6:5 है। उसके बाद आज से चार साल बाद 11:10 हो जाता है। ध्यान से सुनना, अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा हमने लेवल हाई किया, टफ नहीं है, सिंपल है, लेकिन लेवल हाई किया। तो कुणाल की वर्तमान उम्र पता करें, प्रेजेंट एज पता करें। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट सबका ध्यान दे रहे हो। 6 से लेकर 11 तक, देखिए रेशियो तो यहां से लेकर यहां बढ़ गया, 6 से लेकर 11 तक कितना बढ़ रहा है अभी? 5 ईयर। 5 से लेकर 10 तक कितना बढ़ रहा है? 5 साल। तो ये भी अपना क्या बढ़ रहा है? इक्वल। अब ये तो सभी ने निकाल लग रहा है, ये इक्वल बढ़ रहा है। अब बराबर किसके रखें? 4 के रखें या 6 के रखें? बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कभी 4 के रख देते हैं, कभी 6 के। तो ध्यान से समझना, ये हमने यहां से लेकर यहां तक बढ़ाया, तो इसको भी बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे। 6 और 4 कितना बढ़ रहा है अभी? 10 साल बढ़ रहा है। इस पर फोकस करें, कितना बढ़ रहा है? 10 साल बढ़ रहा है। अपने हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 5। वो कितना बोल रहे हैं? 10। 5 बराबर 10, 1 बराबर कितना आ गया? 2। ये अपनी 1 रेशियो की वैल्यू है। क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुआ, आगे भी गलती होने के चांसेस है। देखिए साथ साथ में आपको ये बताता हूं कि गलती कहां पर होती है, ताकि आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उससे बचें, जो भी सही आंसर है उसे टिक करें। ये अपनी क्या आई अभी? 1 रेशियो की वैल्यू। अब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है? 2। कुणाल की उम्र पता करनी, तो सागर की तो बात करेगी नहीं। 1 रेशियो की वैल्यू 2, 6 दूनी 12। क्या 12 अपना आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? प्रेजेंट एज निकालो। ये जो 12 आई है ना, ये आज से 6 साल पहले की उम्र है। अगर कुणाल आज से 6 साल पहले 12 वर्ष का है, तो आज कितने का होगा? 12 में 6 ऐड करेंगे, ये वाला 6 नहीं किया, ये वाला 6 हमने ऐड किया, तो कितने का होगा? 18 साल। ये अपना क्या होगा आंसर? आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो भी आज हमने कराया, आप बिल्कुल अच्छे से बेसिक से इस चीज को अपने माइंड में सेट करें, और किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे पर विश्वास करते हो, हम आपके साथ हैं,
हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, चाहे वो फ्रेशर है चाहे वो तैयारी कर रहा है। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसको लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो भी स्टूडेंट कोचिंग के लिए घर से नहीं जा सकते, या कई बार होता है कि बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है वो पे नहीं कर सकते, हर एक तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। धन्यवाद जी।